चले इसी बीच रुक कर लेते रायपुर का बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में परेड रिहर्सल चल रही है। 15 अगस्त के लिए फाइनल रिहर्सल की तैयारी बता दें आपको। सीआरपीएफ बीएसएफ सहित पुलिस के जवान होंगे शामिल। परेड का आकर्षण इस बार महिला पाइप बैंड होने वाला है। तो तैयारियां 15 अगस्त को लेकर आपको बता दें शुरू हो चुकी हैं और परेड का आकर्षण इस बार महिला पाइप बैंड होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में परेड रिहर्सल की तस्वीरें भी सामने आई है। 15 अगस्त के लिए फाइनल रिहर्सल आज की जा रही है और आपको ये भी बता दें कि सीआरपीएफ बीएसएफ सहित पुलिस के जवान इस परेड में शामिल होंगे और आकर्षण का केंद्र इस बार महिला पाइप बैंड होने वाला है। तो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, परेड की प्रैक्टिस की जा रही है, रिहर्सल चल रही है और तस्वीरें भी सामने आई हैं जब 15 अगस्त के लिए फाइनल रिहर्सल सामने आई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इस बार महिला पाइप बैंड आकर्षण का केंद्र होने वाला है। सीधे हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता मोहम्मद हसन। हसन, 15 अगस्त को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है पुलिस परेड ग्राउंड में, परेड की तैयारियां चल रही है, किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां परेड की यहाँ पर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं महिला पाइप बैंड द्वारा यहाँ पर जो फाइनल रिहर्सल है परेड की वो यहाँ पर की जा रही है। खास 35 महिलाओं को हरियाणा के पंचकुला से जो ये खास तौर पर महिला पाइप बैंड की भेंट की गई है, सबसे बड़ा आकर्षण जो इस बार परेड का वो यही होने वाला है। क्योंकि इस प्रकार से अन्य राज्यों में पाइप बैंड हुआ करता था, इसी के साथ यहाँ पर राजधानी रायपुर में भी पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब छत्तीसगढ़ में महिला पाइप बैंड का गठन किया गया। साथ ही साथ जो हॉर्स राइडर्स हैं वो भी इस बार देखने को मिलेंगे, एक बड़ा आकर्षण होने वाला है परेड में। बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस के जवान और महिला पुलिस की जो टुकड़ी है वो शामिल हो रही है। साथ ही महिला बैंड भी जो है इस बार परेड में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वरूप जो है वो पाइप बैंड है यहाँ पर राजधानी रायपुर में देखा जा सकता है। जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर की जा रही है। साथ ही इस बार बता दें करीब 10 अलग अलग प्लाटून जो है वो बनाए गए हैं, इसमें अलग अलग जो जवान है वो यहाँ पर शामिल है। फाइनल प्रैक्टिस की जो रिहर्सल है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और वरिष्ठ अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। रिहर्सल का जो जायजा है वो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी डीआईजी समेत जो एसपी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं वो दोनों छोरों से रायपुर के पुलिस परेड मैदान में जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। जैसे तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई है, कौन कौन इस बार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने वाला है, क्या कुछ विशेष 15 अगस्त को होगा? बिल्कुल, देखिए हर वर्ष की तरह इस बार भी 15 अगस्त से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही गवर्नर जो है वो भी यहाँ पर शामिल होने की बात जो सामने आई है। साथ ही कल सम्मान समारोह हड़ताल की तरह वो भी यहाँ पर किया जाएगा और जो परेड होती है वो भी यहाँ पर उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में इस बार आम जनता के लिए भी जो बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर आधा अधिकारियों द्वारा कर ली गई है। कुल मिलाकर के पूरे पुलिस परेड मैदान को यहाँ पर जो है वो तिरंगे से जो है वो सजा दिया गया है। 15 अगस्त की तैयारियां अंतिम मोड़ पर है राजधानी रायपुर में, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए हैं और पाइप बैंड समेत अलग अलग इस बार जो रिहर्सल्स हैं वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। महिला पाइप बैंड की टीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो 15 अगस्त की तैयारियां पूरी हो चुकी है और 15 अगस्त पर इस बार महिला पाइप बैंड जो है वो आकर्षण का केंद्र रहने